please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आप इस सोसाइटी में कब से रह रहे हैं? मुझे करीब पौने दो साल हो रहे हैं रहते हुए जी। जब आपने पोजेशन लिया था उस टाइम आपको क्या जब आपने बुक कराया था तब आपको क्या वादे दिए गए थे? जब बुक कराया था मैंने तो मेरे बगल में ही काफ़ी खुली जगह थी जहां मैंने ये सोचा था कि मैं रिटायरमेंट के बाद एक छोटा सा बगीचा बनाऊंगा, वहां चेयर्स पड़ी होंगी, मैं उसमें बैठ सकूँगा, शाम अपनी आराम से बिताऊंगा। जब आपने पोजेशन लिया, जब आप यहाँ रहने आए, तब आपको क्या मिला? तब मुझे उस जगह पे जहाँ मुझे मैंने ये सब स्वप्न देखा था, उस जगह पर मुझे एक बहुत बड़ा जनरेटर हाउस बना हुआ मिला। मैंने कहा ये क्या है भाई? तो उन्होंने कहा सर ये तो हमारी जगह है, हम जहाँ इसका जैसे इस्तेमाल करें। मैंने कहा जब आपने मुझे नक्शा दिखाया था तो उसमें उस समय तो ये खाली बगीचा बना हुआ था, वो ख़त्म। उसके बाद विलास का नंबर इन्होंने एक बढ़ा दिया, मेरा विला नंबर 300D333 है और एक इन्होंने और एक्सटेंड करके D333A कर दिया। पता नहीं इन्होंने कब मैप अप्रूव करवाया, पहले मैप में ये नंबर नहीं था। ये अथॉरिटी ने इन्होंने मिलकर सब काम किया, मुझसे नहीं पूछा, किसी और बायर से नहीं पूछा, जबकि ये मैंडेटरी है यूपी अपार्टमेंट एक्ट 2010 में कि अगर आपको कोई चीज़ चेंजेस में करनी है मैप में तो उसके लिए 70% 75% का अप्रूवल जरूर रेजिडेंट्स का ज़रूरी है। इन्होंने कुछ ज़रूरत नहीं समझी इस बात की करने की, इन्होंने स्वयं ही मेरी जगह को काट कर और लोगों की जगह को काट कर एक एक्स्ट्रा विला बना दिया सिर्फ पैसा कमाने के लिए। आपने इसकी कंप्लेन कहाँ कहाँ पे करी है? मैं अभी कंप्लेन नहीं कर पाया हूँ क्योंकि मैं दूसरी व्यवस्थाओं में उलझा हुआ हूँ। इनसे मैंने जरूर कहा था कि ये आपने गलत किया है और मैंने लिख के भी दिया था, इसके फोटो भी खींच के इनको भेजे थे, उसके सबूत मेरे पास हैं। अभी आपको यहाँ पे किन किन असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है? सबसे बड़ी बात तो इनकी सिक्योरिटी की है, सिक्योरिटी की बहुत बड़ी समस्या है। कोई आता है कोई जाता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता है, कुछ भी हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, और अक्सर होती रहती हैं। बाकी सब चीज़ें ठीक है यहाँ पे? नहीं नहीं कुछ नहीं, सड़कें सारी ख़राब हैं, बिजली का व्यवस्था जो है ना ऑटोमेटिक जनरेटर सिस्टम नहीं है, उसको कम से कम 5-7 मिनट ब्रेकडाउन में लग जाते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी समस्या जो है वो है कनेक्टिविटी की, जो हमारी कनेक्टिविटी उसकी है फ़ोन की, वो यहाँ पर ना तो एयरटेल का चैनल आता है, ना किसी का सिग्नल आता है, ना इन्होंने कोई सिग्नल की व्यवस्था की है। अंदर भी इन्होंने एक ऐसी कंपनी को दे रखा है जो किसी की सुनवाई नहीं करते और दूसरे किसी को आने नहीं देते। आपने बुक करने से पहले ये सब चीज़ें नहीं सोची थी? सोचा था, इन्होंने तो स्वप्न दिखाया था कि एशिया की सबसे बढ़िया सोसाइटी विलास की सोसाइटी बनेगी, और आज एशिया की तो छोड़िए, मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड की सबसे ख़राब सोसाइटी मुझे यही नज़र आती है। मैं तीन विभिन्न सोसाइटियों में रह चुका हूँ जिनमें मुझे बड़ी आरामदेह व्यवस्था मिली थी, लेकिन आज यहाँ देख दुर्दशा देखकर मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ से छोड़कर वापस उन्हीं सोसाइटीज़ के हाई राइज में ही चला जाऊँ बजाय इस विलास के। अच्छा जी, तो अभी आप कहाँ पे कंप्लेन करने जा रहे हैं? अभी फ़िलहाल तो हम इनसे ही टैकल कर रहे हैं, इनको अगर ये व्यवस्था में सुधार कर देते हैं ठीक है, वरना NCDRC पड़ा हुआ है, हम NCDRC में सीधे जाएंगे, कंज्यूमर कोर्ट में लोकल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो प्रभावित हो सकती है। हम सीधे NCDRC में जाएंगे, वहाँ से न्याय की व्यवस्था। मुझे अब ये बताइए कि जब आप यहाँ पे आए थे रहने आए थे, पोजीशन ले लिया था आपने, तो क्या आपने सारे सर्टिफिकेट चेक करे थे कि इन्होंने अथॉरिटी से सब कुछ लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ? दुर्भाग्यवश इन्होंने मुझे इतना सता रखा था कि मुझे तो चाबी मिल गई ना, तो मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया क्योंकि पहले तो इन्होंने मुझसे पैसे लिए और उसके पश्चात 4 महीने पश्चात तो इन्होंने जो है 6 महीने पश्चात तो रजिस्ट्री करवाई, रजिस्ट्री के पैसे भी ले लिए मुझसे और रजिस्ट्री भी करवाई 6 महीने के बाद। और उसके बाद भी अगर मेरे अपने कहीं यहाँ पर लिंक ना होते तो शायद मुझे 4-6 महीने और पोजेशन भी ना मिलता। मतलब पूरे पैसे लेने के बाद, रजिस्ट्री के पैसे लेने के बाद भी लोग 1-1 साल से परेशान हैं, अभी तक पोजेशन नहीं मिला। तो ऐसी परिस्थितियों में सर्टिफिकेट चेक करने की सोच किसको रहती है? आदमी कहता है भी मैं किराया भर रहा हूँ, 20,000 रुपये किराया दे रहा था मैं, भी मैं किराया भर रहा हूँ, मैं किराए से मुक्ति पाऊँगा, 2.5 लाख रुपये मैं 1 साल में फालतू दे चुका हूँ किराए के, ये मुझे चाबी दें तो मैं आऊँ, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मुझे चाबी दी, यही मेरा उस वक्त तो उद्देश्य। मतलब एक जंग तो यहाँ पर खाली पोजेशन लेना ही हो गया था, बाकी सारी सुख सुविधाएँ और सारी चीज़ें अलग हैं जी। ये बहुत बड़ी जंग है पोजेशन लेना। कितने लाख का था ये फ्लैट, ये जो आपने विला लिया था? ये जब मैंने लिया था वो करीब 34 लाख का विला है। 34 लाख का। और आपको क्या लगता है कि आपके कितने लाख इस पे खर्च हो गए और कितने आपने रेंट भर दिया उसके बाद, कितने का पड़ा आपको, मतलब 34 के बाद कितने का पड़ा आपको? ये मुझे 40 से ऊपर पड़ा है और आज की स्थिति ये है कि अगर मैं इसमें और इसको ठीक ठाक कराऊँ तो 5-7 लाख रुपये कम से कम और लग जाएंगे, तब ये सही होगा। प्लास्टर सारा ख़राब है, जगह जगह और सारा पेंट झड़ रहा है जगह जगह से। और दूसरी बात यह है कि जो उसके बाद मैंने 1-1.5 लाख रुपये इसकी सिक्योरिटी के लिए भी लगाया क्योंकि सिक्योरिटी की उचित व्यवस्था नहीं थी इसमें।
तो अब अगर आप यहाँ से जाना, अब आप यहाँ से जाना चाहते हैं, यहाँ पे रहना चाहते हैं? स्थिति, वास्तविक स्थिति ये है कि अगर यहाँ सुविधाएं मिल जाएं तो मैं रह सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन अन्यथा रहना मुश्किल है। यहाँ पे क्या हुआ करता था जिसे आपने बंद करा दिया? यहाँ पर पहले एक छोटा जिम था जिसमें हम लोग सुबह शाम आकर एक्सरसाइज करते थे। यहाँ पर ट्रेडमिल लगी हुई थी और एक्सरसाइज की मशीनें कुछ लगी हुई थी। उनके चार्जेस थे या फ्री थी? नहीं, वो क्लब में फ्री होती हैं क्योंकि हम पैसा देते हैं मेंटेनेंस का, उसी के अंदर इंक्लूडेड होता है। क्या चार्जेस है मेंटेनेंस के? एक रुपये 60 पैसे स्क्वायर फुट ले रहे हैं और वो 2 साल पहले, हमसे 4 साल पहले वो वसूल कर चुके हैं। तो टोटल एक आदमी को कितना देना पड़ता है? अलग अलग विलास के साइज हैं, पर स्क्वायर फुट है तो कम से कम जो है 2400-2500 रुपये देने पड़ते हैं पर मंथ। पर मंथ के 24? जी जी। और बड़े वालों को 3500-4000 तक चाहते हैं। 3500 जी, इसी जगह के लिए देने पड़ते हैं। हाँ, सारा मेंटेनेंस जो है ना इसका, जिसमें जो रोड्स का मेंटेनेंस है, सिक्योरिटी है, सब कुछ इसी के अंदर होता है। अच्छा, सब कुछ इसी के अंदर होता है जी। तो वास्तव में यहाँ एक छोटा जिम था और पीछे इन्होंने शो के लिए स्टूडियो बनाए हुए थे, सैम्पल स्टूडियोज, जो हमें बाद में कहा गया था कि उसको तोड़ कर हम आप इसको पूरा जिम बना देंगे। सैंपल स्टूडियो मतलब कि इस टाइप के विला दिखाने दिखाने के लिए स्टूडियो बनाए हुए थे, 1 BHK वाले स्टूडियोज बनाए हुए थे जो इन्होंने अपने उधर कमर्शियल वाले के ऊपर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि साहब हम इसको जिम को पीछे स्टूडियो को तोड़कर, क्योंकि हमारा पर्पस खत्म हो गया, स्टूडियो हमारे बिक गए हैं, हम इनके सैंपल स्टूडियोज को तोड़कर ये जिम मिला देते हैं और ये पूरा का पूरा जिम हो जाएगा। तो हम भी लालच में आगे भी ठीक है। हाँ जी, पहले दम घुटता था, छोटी जगह थी, जरा खुली होगी तो एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2000 विलास का मतलब है कम से कम 5000-6000 लोग होना। हाँ जी, हाँ जी, इतना कम से कम होना, बल्कि ज़्यादा ही होने चाहिए। तो 5000-6000 के लिए तो बहुत छोटी जगह थी, तो आपने कहा ठीक है। तो इन्होंने एक विला में, आपको दिखाऊंगा मैं, उस विला में उसको जिम को शिफ्ट कर दिया उसको, और इसको आज करीब 8 महीने हो गए हैं। इसको कहा था कि हम इसको तोड़ के बड़ा करते हैं। तोड़ के बड़ा करने के बाद इन्होंने इसमें दुकानें बना दी। यहाँ पर इन्होंने जिम की अपेक्षा इन्होंने स्पा बना दिया, जिसमें लेडीज़ के मेकअप के लिए अपने, और इसको जो है किराए पर दे दिया। तो अब इसके पैसे लेते हैं यहाँ पे? इसके पैसे लेते हैं, पूरे अच्छे खासे पैसे लेते हैं। अच्छा। शायद आपको रेट लिस्ट भी दिखवा दूंगा मैं। तो वो रेजिडेंट से पैसे कमाने के लिए इन्होंने यहाँ पर इसको और इसको दोनों, तो जिम को बंद करके इसे कमर्शलाइज करके और यहाँ से भी पैरामाउंट प्रॉफिट कमाने लगा। और ये छोड़ दिया एक जिम के लिए और इसको पता नहीं कब तैयार करेंगे, कि जी मशीनें आ रही हैं, वो हो रहा है, जबकि उधर छोटे एक छोटे से विला में जहाँ दम घुटता जा मैं जाता ही, मैं पहले रोज यहाँ पर 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को यहाँ पर ट्रेडमिल पर काम करता था। और वहाँ अब मैं जाता नहीं हूँ, क्यों? मेरा दम घुटता है छोटी जगह में, एकदम ऐसा दम घुटता है, ना वहाँ प्रॉपर एयर कंडीशनिंग है ना कुछ है, मैं नहीं कर सकता वहाँ पर। तो वहाँ शिफ्ट कर दिया और 8 महीने हो गए आज तक इनको जो है ना इनसे मशीनें आ पाई हैं, ना इसको सेट कर पाए हैं, ना ये करने की इच्छा ही नहीं है। वास्तविक स्थिति है, इसको उपयोग करना है।